नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वी लुकअप का रिपीटेड वैल्यू किस तरह से लाएंगे और कैसे लाएंगे। देखिए हमारे पास यहाँ पे एक नेम है हर्ष और यहाँ पे देखिए 1, 2, 3 प्लेसेस में जो हर्ष यहाँ पे लिखा हुआ, तो यहाँ पे जो है हर्ष का जो है टोटल सेल्स वैल्यू जो है यहाँ पे आ चुका है। फर्स्ट हर्ष का भी आया है, सेकेंड हर्ष का जो वैल्यू यहाँ पे आ गया है, थर्ड हर्ष का जो वैल्यू यहाँ पे आ चुका है। अगर हमारे पास रिपीटेड नेम आ रहा है तो जैसे मैं यहाँ पे नेम चेंज करता हूँ, देखिए मनोज कुमार, ठीक है, यहाँ पे मनोज कुमार यहाँ पे हाईलाइट हो गया, देखिए नीचे भी दो हाईलाइट्स हो गया है, ठीक है, तो टोटल 3 नेम आया और यहाँ पे जो है 3 वैल्यू यहाँ पे आके वी लुकअप का जो है वैल्यू आपको फर्स्ट वैल्यू मिल गया, यहाँ से ये दो वैल्यू भी यहाँ पे आपका मिल गया। अगर यहीं पे मैं नेम चेंज करता हूँ मनोज, तो देखिए मनोज कितना टाइम्स यहाँ पे आया, 4 टाइम्स, 1, 2, 3, 4 और ये 4 टाइम्स का जो वैल्यू आपको ऑटोमेटिक जो है यहाँ पे पॉपुलेट हो रहा है, ठीक है। तो इस टाइप का जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे किस तरह से ये होता है, क्या मैजिक लगाया हूं इसमें कि वी लुकअप का जो है आप डबल टाइम, ट्रिपल टाइम, फोर्थ टाइम तक जो है आपको वैल्यू आ रहा है। अभी देखिए कविता, कविता लिखा हुआ यहाँ पे 2 टाइम्स कविता लिखा हुआ, कितना सेल्स है उसका, दोनों सेल्स जो है आपको 1, 2 दिखा रहा, बाकी 2 जो है ब्लैंक यहाँ पे छोड़ रहा है, ठीक है। तो ये पूरा चीज सीखेंगे और एक एक करके डिटेल में सीखेंगे। अभी मैं परिधि का दिखा देता हूं सेल्स, परिधि यहां पे कितना टाइम्स रिपीट हुआ, 3 टाइम्स, देखिए 1, 2, 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, ओके, 3 टाइम्स का जो आपको यहां पे सेल्स मिल रहा है, फर्स्ट टाइम का, यहां पे सेकेंड टाइम और ये जो है थर्ड। तो ये वी लुकअप जो हम लोग लगाए हैं, डुप्लीकेट वैल्यू जो लगाया है, मेकअप करके हर एक सेल्स को यहां पे आपको रिप्रेजेंट करता है और सभी वैल्यू वी लुकअप जो है यहां पे लाके देता है। यही चीज सीखने वाला हूं इस वीडियो में, ठीक है। और इसके अलावा मैं यहां पे बताने वाला हूं कि ये जो है ड्रॉप डाउन किस तरह से लाया हूं, जैसे ही यहां पे कलर आ रहा है तो आपको यहां पे कलर भी आपके चेंज हो रहा है, वो भी मैं बताऊंगा किस तरह से लाया हूं, क्या है नहीं है, ठीक है। अगर सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहिए और देखते हैं ये किस तरह से किया हूं वी लुकअप में। चलिए मैं चलता हूं नेक्स्ट शीट पे और यहां हमारे पास डेटा दिया हुआ है, ठीक है, यहां पे मेरे पास डेटा है और इस डेटा में सबसे पहला मैं मैजिक करके दिखाता हूं कि यहां जो है ये नेम जो है ड्रॉप बॉक्स में किस तरह से आएगा। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं, यहां जो ये नेम है इसी नेम को जस्ट मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहां पे कर लेता हूं पेस्ट, ओके। जब हमारा नेम वही चीज पेस्ट हो चुका है यहां पे, ठीक है, तो यहां पे पेस्ट होने के बाद क्या करूंगा, पेस्ट होने के बाद मुझे क्या करना है, यहां से जो है डुप्लीकेट वैल्यू को हटाना है, ठीक है। तो यहां पे रिपीट हो रहा है तो यहां पे मुझे यूनिक वैल्यू चाहिए, तो यूनिक वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां से डेटा में जाएंगे और यहां पे है डुप्लीकेट, ठीक है, तो डुप्लीकेट पे क्लिक कीजिए, इसको ओके कीजिए, तो देखिए क्या होता है, यहां पे 5 यूनिक वैल्यू बोल रहा है, 10 डुप्लीकेट्स पूरा, ठीक है। तो अभी जो बचा है यहां पे सिर्फ यूनिक वैल्यू ही बचा है, तो आप यहां पे क्लिक करो, यहां पे आपको ये सारा नाम लेके आना है ड्रॉप बॉक्स के अंदर, ठीक है, ड्रॉप डाउन के अंदर यहां पे क्लिक कीजिए और यहां से आपको जाना है डेटा में और डेटा में जाने के बाद डेटा वैलिडेशन है और यहां पे डेटा वैलिडेशन में जाइए, ठीक है। तो आपके पास ये पॉप अप विंडो जाएगा और इस वैल्यू में आप जो है लिस्ट सेलेक्ट कर लीजिए और यहां पे सोर्स डेटा है ना, सोर्स डेटा में आप ये सारा नेम को सेलेक्ट कर लीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए, इसको कर दीजिए ओके। तो अब देखिए यहां पे जो आपको ड्रॉप डाउन बन गया, यहां पे जो भी ये वैल्यू है वो सारा नेम जो यहां पे आ चुका है। अभी जब आप चाहते हैं कि इसको डिस्प्ले रखें तो ठीक है, नहीं तो आप इसको हाइड भी कर सकते हो, ठीक है, तो मैंने यहां से हाइड कर दिया। चलिए तो यहां पे आपका सभी नेम जो है अब आ चुका है। अब नेक्स्ट वर्क क्या है कि मुझे ये जो नेम है, मैं जैसे ही ये नेम को यहां से सेलेक्ट करूं, यहां जो वो जो है कलरफुल हो जाए, ठीक है, तो यहां पे जो है ये नेम जो है यहां पे कलर हो जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए आप जो है इस सेल को सेलेक्ट कर लीजिए, जितना भी डेटा है आपके पास उस सेल को सेलेक्ट करके आपको जाना है होम टैब में और यहां पे जाना है कंडीशनल फॉर्मेट, ध्यान दीजिएगा कहां जाना है, कंडीशनल फॉर्मेट, और यहां से जाना है न्यू रूल में, कंडीशनल फॉर्मेट जाके न्यू रूल, और न्यू रूल में जाने के बाद कहां जाएंगे, यहां पे यूज फॉर्मूला टू डिटरमाइन व्हिच सेल टू फॉर्मेट, ठीक है, यहां पे जाइए और यहां पे लिखिए इक्वल टू, इक्वल टू लिखने के बाद क्या कीजिए, देखिए आपको इसके साथ मैच करना है तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए ओके, उसके बाद इक्वल टू और ये जो सेल का पहला लेटर है ना फर्स्ट वाला सेल, उस फर्स्ट वाला सेल को सेलेक्ट कर लीजिए, तो देखिए आ गया सी, दोनों की जगह डॉलर आ गया, ठीक है। तो आप क्या करो, सेल के नंबर के आगे डॉलर रहने दो और नंबर के आगे का जो डॉलर है ना उसको हटा दीजिए, ठीक है। तो इतना करने के बाद उसके बाद आप कौन सा कलर चाहते हैं, तो यहाँ पे फॉर्मेट में जाइए और यहाँ पे फॉर्मेट फिल आता है ना, फिल में आपको कौन सा कलर चाहिए, ग्रीन चाहिए, येलो चाहिए, ब्लैक चाहिए या रेड चाहिए,
जो भी कलर चाहिए आप अपने अनुसार सेलेक्ट कर लेते हैं। फिलहाल के लिए मैं ये कलर लेता हूं और इसको कर लेता हूं ओके, इसको भी कर लेता हूं ओके। तो देखिए जो भी नेम यहाँ पे सेलेक्टेड है वो जो ऑटोमेटिक यहाँ पे हाइलाइट्स हो चुका है। अगर मैं नेम चेंज करता हूं यहाँ से तो वो भी हाइलाइट्स हो गया है। ठीक है, इस तरह से जो हाइलाइट्स करना वो हमने सीख लिया है। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे क्या वी लुकअप लगाने की। ठीक है, तो वी लुकअप किस तरह से लगाते हैं वो आपको पता है। देखिए जैसे मैं रेगुलर वी लुकअप लगाता हूँ, रेगुलर वी लुकअप किस तरह से लगाते हैं, आप यहाँ पे इक्वल टू प्रेस करेंगे वी लुकअप। ठीक है, वी लुकअप लगाएंगे और वी लुकअप लुकअप वैल्यू किसके लिए लुकअप देखना चाहता हूँ, इसके लिए लुकअप वैल्यू चाहता हूँ कोमा, और यहाँ पे टेबल एरे अगर मैं यहाँ पे ये टेबल दे दिया, ये टेबल सेलेक्ट कर लिया ओके कोमा, उसका कॉलम इंडेक्स कौन सा वैल्यू चाहिए, यहाँ पे फर्स्ट है सेकंड है थर्ड है, आपको जो इस नेम का जो है नेम का कौन सा वैल्यू आपको लाना, डिपार्टमेंट लाना है या सेल्स लाना है। तो सेल्स बोलता है मुझे सेल्स लाना है, तो ये जो नेम है वो फर्स्ट कॉलम में है, डिपार्टमेंट सेकेंड कॉलम में है, सेल्स जो है थर्ड कॉलम में है, तो आप यहाँ पे थर्ड सेलेक्ट कीजिए कोमा, उसके बाद ट्रू चाहिए या फॉल्स चाहिए, एग्जैक्ट मैच चाहिए या अप्रोक्सीमेट, मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो आप इसको ले लीजिए और एंटर प्रेस करिए। तो देखिए क्या हो गया, मनोज का जो फर्स्ट वैल्यू था यहाँ पे जो मिला इसको यहाँ पे आपको आ चुका है। इस वैल्यू में क्या करेंगे, मैं आई टू ये जो वैल्यू है इसको मैं डॉलर का सिंबल प्रेस कर देता हूँ, फिक्स कर देता हूँ, और ये टेबल एरे जो है इसको फिक्स कर देता हूं। ठीक है, और एंटर प्रेस कीजिए। तो अब देखिए जब इस फॉर्मूला को मैं नीचे की ओर ड्रैग करूंगा तो सेम वैल्यू आपको लाके देगा। ठीक है, फर्स्ट वन टू थ्री जो भी है ये सेम वैल्यू ही लाके देगा। तो वी लुकअप काम किस तरह से करता है, एक्चुअली देखिए क्या होता है, वी लुकअप क्या करता है वो जो है फर्स्ट से स्टार्ट करता है, यहां से जो आपको जो टेबल इसको दिए है रेफरेंस, वो टेबल को क्या करेगा, वो यहां से देखेगा, यहां पे ऊपर से देखेगा मनोज, यहां पे मनोज सर्च करेगा, देखो यहां पे मनोज मिल गया, अभी भूल जाएगा कि यहां पे मुझे मिल गया, मेरा काम खत्म हो गया, मैंने आपको ये वैल्यू दे दिया, दूसरे और भी है मुझे मतलब नहीं है, ऐसा बोलता है ये वी लुकअप। लेकिन मुझे चाहिए कि तुम ऐसा नहीं बोलो, तुम्हें जितना वैल्यू दिया जा रहा है सभी को सर्च करके लाओ, फर्स्ट मनोज है, सेकंड है, थर्ड है, पूरा डेटा लाओ, मैं वही चाहता हूं इसको बोलना। लेकिन वी लुकअप ऐसा करता नहीं है, उसके लिए क्या करेंगे, मैं यहां पे थोड़ा सा एक हेल्पर कॉलम जो है क्रिएट करूंगा ताकि वी लुकअप मुझे वही वैल्यू दे जो कि मैं चाहता हूं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करूंगा, देखिए इस फार्मूला को मैं डिलीट करता हूं और यहां पे जो है मुझे क्या चाहिए, नेम, सभी नेम चाहिए। ठीक है, तो सभी नेम करने के लिए यहां पे थोड़ा सा मैं यहां पे हेल्पर कॉलम ऐड करता हूं यहां पे। ठीक है, हेल्पर कॉलम ऐड करूंगा, उसमें क्या लिखूंगा, देखिए इक्वल टू काउंट इफ, यहां पे लिखूंगा काउंट इफ, काउंट इफ में जो है रेंज पूछा जा रहा है तो मैं जो है रेंज को फर्स्ट सेल ही लेता हूं। ठीक है, यही रेंज लेता हूं और इसको जो है क्या करूं, रेंज को यही रेंज ले लेता हूं और यहां से कॉमा डालता हूं, और क्राइटेरिया क्या है हमारा, ये जो है मेरा वही क्राइटेरिया हो गया। ठीक है, सेम क्राइटेरिया भी ले रहा हूं, एक मिनट देखिए क्या हो रहा है, यहां पर थोड़ा सा मैं कर ले रहा हूं ताकि आपको जो है यहां से ये दिखे। ठीक है, तो यहां पे जो है मैं करूंगा इक्वल टू, और यहां पे देखिए क्या लिखूंगा, काउंट इफ। ठीक है, काउंट इफ किया, अभी बोल रहा है रेंज क्या चाहिए, मैं ये रेंज ले रहा हूं, क्या रेंज ले रहा हूं, फर्स्ट वाला रह रहा हूं, और यहां पे कर रहा हूं सेमी कॉलम, और देखिए अभी क्या हो गया, और ये फर्स्ट वाला जो है ये C3, इस C3 को F4 से करूंगा लॉक। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कर रहा हूं, C3 मतलब ये जो सेल है इसी सेल से इसी सेल तक लेना है, और फर्स्ट वाला जो ये सेल है इसको लॉक कर देना है, सेकेंड वाला जो रहने देते हैं, उसके बाद कोमा डालते हैं, क्राइटेरिया हमारा क्राइटेरिया क्या होगा, ये जो हमारा क्राइटेरिया हो जाएगा। ठीक है, और इसको करता हूं क्लोज। तो देखिए इसका कमाल क्या होता है, यहाँ पे जो है 1 लिख दिया, जब ये फॉर्मूला को मैं नीचे की ड्रॉ करूंगा, देखिए ये भी 1 लिया, ये भी लो, ये देखिए सेकंड नंबर मनोज को यहाँ पे हाईलाइट कर दिया, अगर इसको नीचे की ओर ड्रैग करूंगा सभी के लिए तो देखिए जितना नेम है यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ सेकेंड, थर्ड, यहाँ पे फोर्थ, तो सभी नेम ला दिया है। ठीक है, किस तरह से लाया आप देखा। अब क्या करना है यहाँ पे, अगर यहाँ पे मनोज कुमार देखिए 1 है, मनोज कुमार 2 है, 3 है, सभी को यूनिक में ये कन्वर्ट कर दिया, फॉर्मूला क्या लगाया आप देख चुके हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक और रिसर्च करता हूं, यहाँ पे मुझे यूनिक नेम यहाँ पे मिलाना है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला में थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, यहाँ पे इक्वल टू के पहले जो है मैं इस सेल को सेलेक्ट करता हूँ और शिफ्ट के साथ जो है एंड बटन प्रेस करता हूँ, देखिए C3 एंड काउंट इफ, अब मैं इसको कंट्रोल करता हूँ तो मनोज 1,
ठीक है। अब इस फॉर्मूला को मैं नीचे की तरफ ड्रॉ कर देता हूं, तो अभी देखिए सभी के लिए एक यूनिक नेम जो है सेलेक्ट हो गया है, मनोज वन, मनोज टू, मनोज थ्री, ठीक है। यहाँ पे मनोज कुमार वन था, यहाँ पे हर्ष वन, देखिए हर्ष टू, और यहाँ पे हर्ष थ्री, तो सभी का जो है यूनिक नेम आ चुका है। अब जो है क्या करेंगे, अब जो है यहाँ पे वी लुकअप लगाना, देखिए कितना इजी हो जाता है अगर आप यहीं पे वी लुकअप लगाओगे, स्टैंडर्ड तरीका से लगाओगे, ठीक है। कैसे लगाना, अब देखिए मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा इक्वल टू और यहाँ पे लगाऊंगा वी लुकअप, ठीक है, VLOOKUP। अभी देखिएगा ध्यान देने वाली थोड़ी सी बात यहाँ पे ये है कि लुकअप वैल्यू मांगा जा रहा है। लुकअप वैल्यू में क्या चाहिए, नेम और नंबर दोनों चाहिए, तो मैं यहाँ पे कर देता हूं, इसको सेलेक्ट कर लेता हूं, ये तो नेम हो गया यहाँ पे, और F4 से इसको लॉक कर देता हूं, ठीक है। एंड उसके बाद प्रेस करेंगे एंड बटन, एंड बटन प्रेस किया और ये जो है नंबर इस सेल को सेलेक्ट कर लिया, ओके ये हो गया हमारा लुकअप वैल्यू। और अब लुकअप टेबल एरे, तो टेबल एरे जो है मैं यहाँ जो सेलेक्ट करूंगा हेल्पर को नाम लेके यहाँ लास्ट तक सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। तो ये सभी मेरा हो गया टेबल एरे, ओके। और टेबल एरे को भी F4 से क्या करता हूँ, मैं लॉक कर देता हूँ, ठीक है। F4 से हमने क्या किया, लॉक कर दिया टेबल एरे को। अब नेक्स्ट कहाँ पे आना है मुझे, कॉमा, और नेक्स्ट बात आती है, अब क्या पूछा जरा आपको, कॉलम इंडेक्स। कॉलम इंडेक्स मतलब इसमें कौन सा कॉलम चाहिए आपको, ठीक है। तो कॉलम इंडेक्स जो अभी पूछा जा रहा है, ये फर्स्ट हो गया कॉलम, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। तो सेल्स वैल्यू मुझे चाहिए, सेल्स वैल्यू कहां पे है, कॉलम फोर में है, तो मैं कॉलम फोर लिखूंगा कॉमा। उसके बाद एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो मैं यहाँ पे देखिए एग्जैक्ट मैच करता हूँ, ओके, और इसको क्लोज किया और एंटर किया। तो देखिए अभी जो है हर्ष का जो है फर्स्ट फर्स्ट वैल्यू हर्ष में जो निकला है वो कितना है, ये वैल्यू निकल गया। अगर इस फॉर्मूला को मैं नीचे की ओर ड्रैग करूंगा, देखिए क्या हो गया, सेकेंड वैल्यू जो है वो इतना निकल गया, थर्ड वैल्यू जो है ये वैल्यू यहाँ पे आपको दे दिया, और फोर्थ वैल्यू NA, मतलब कि फोर्थ वैल्यू इसमें नहीं है बोल रहा है। कोई बात नहीं, अगर नहीं है ऐसा बोल रहा है तो रहने दीजिए, मुझे यहाँ पे NA नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे आए तो ये ब्लैंक शो होना चाहिए, लेकिन वैल्यू NA लिखा हुआ एरर नहीं आना चाहिए। उसके लिए थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करता हूँ यहाँ पे फॉर्मूला को, और यहाँ पे फॉर्मूला में लिख लूंगा वैल्यू के पहले इफ एरर, क्या लिखूंगा, इफ एरर, अगर इफ एरर, अगर एरर आए तो आपको क्या होना चाहिए, वैल्यू नॉट अवेलेबल या ब्लैंक, मैं ब्लैंक जस्ट दो टो क्या कर देता हूं, ये डबल कोट के अंदर छोड़ देता हूं और एंटर प्रेस कर देता हूं। तो अभी देखिए क्या हो गया, ड्रैग किया तो ये जो है ब्लैंक रह गया, ठीक है। तो अगर आप नाम चेंज करो तो उसी के अनुसार सभी वैल्यू यहाँ पे आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो किस तरह से काम कर रहा है ये डबल वी लुकअप आपको पता चल गया है, ठीक है। फिर भी कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और मिलते कुछ न्यू आइडिया न्यू ट्रिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।